पिशाच मोचन श्राद्ध 2023 में कब है, जाने श्राद्ध का विधान। पिशाच मोचन श्राद्ध के दिन पिशाच योनि में गए हुए पूर्वजों के निमित्त तर्पण करने का विधान बताया गया है। 25 दिसंबर 2023 को पिशाच मोचन श्राद्ध किया जाएगा। इस अवसर पर शांति के उपाय करने से जिन्हें भूत प्रेत से भय व्याप्त हो उन्हें पितर दोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में पिशाच मोचन श्राद्ध को महत्वपूर्ण माना गया है। मार्गशीर्ष माह में आने वाला पिशाच मोचन श्राद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्राद्ध के अनेक विधि विधान बताए गए हैं जिनके द्वारा पितरों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। अब जानें पिशाच मोचन श्राद्ध का विधान। इस दिन व्रत स्नान दान जप होम और पितरों के लिए भोजन वस्त्र आदि देना उत्तम रहता है। शास्त्रों के हिसाब से इस दिन प्रातः काल में स्नान करके संकल्प करें उपवास करना चाहिए। कुश अमावस्या के दिन किसी पात्र में जल भरकर कुशा के पास दक्षिण दिशा की ओर अपना मुंह करके बैठ जाएं तथा अपने सभी पितरों को जल दें। अपने घर परिवार स्वास्थ्य आदि की सुविधा की प्रार्थना करनी चाहिए। तिलक आचमन के उपरांत पीतल या तांबे के बर्तन में पानी लेकर उसमें दूध दही घी शहद कुमकुम अक्षत तिल कुश आदि रखते हैं। अब हाथ में जल लेकर संकल्प में उस व्यक्ति का नाम लिया जाता है जिसके लिए पिशाच मोचन श्राद्ध किया जा रहा होता है। फिर नाम लेते हुए जल को भूमि में छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार आगे का भी विधान संपूर्ण किया जाता है। तर्पण करने के उपरांत शुद्ध जल लेकर सर्व प्रेत आत्माओं की सदगति हेतु यह तर्पण कार्य भगवान को अर्पण करते हैं। वह पितर की शांति की कामना करते हैं। पीपल के वृक्ष पर भी जलार्पण किया जाता है तथा भागवत कथा का श्रवण करते हुए शांति की कामना की जाती है। अब जानें पिशाच मोचन श्राद्ध का महत्व। पिशाच मोचन श्राद्ध कर्म द्वारा व्यक्ति अपने पितरों को शांति प्रदान करता है तथा उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति दिलाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि व्यक्ति अपने पितरों की मुक्ति व शांति हेतु श्राद्ध कर्म व तर्पण न करे तो उसे पितृदोष भुगतना पड़ता है और उसके जीवन में अनेक कष्ट उत्पन्न होने लगते हैं, जो अकाल मृत्यु व किसी दुर्घटना में मारे जाते हैं। उनकी मुक्ति के लिए श्राद्ध महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार इस दिन श्राद्ध आदि कर्म संपन्न करते हुए जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। यह समय पितरों को अभीष्ट सिद्धि देने वाला होता है, इसलिए इस दिन में किया गया श्राद्ध अक्षय होता है और पितर संतुष्ट होते हैं। इस तिथि को श्राद्ध कर्म करने से पितर प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन तीर्थ स्नान जप तप और व्रत के पूर्ण से ऋण और पापों से मुक्ति मिलता है, इसलिए यह संयम साधना तप के लिए श्रेष्ठ दिन माना जाता है। भगवान विष्णु की आराधना की जाती है जिससे तन मन और धन के कष्टों से मुक्ति मिलती है।